हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज है 6 अगस्त 2020। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 अगस्त का भी करण जी के मिलेगा। दोस्तों, कल एब्सेंस की वजह से हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए, जिससे उसके क्वेश्चन हम इस वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। दोस्तों, तो आज 6 और 5 अगस्त करण जी के से रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य में ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया है? इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा ई रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू किया गया। दोस्तों, ई रक्षाबंधन कार्यक्रम का मतलब दोस्तों, इस कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार जो बच्चों के खिलाफ जो हिंसाएं होती हैं, बाल यौन शोषण, उनको रोकने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ये कार्यक्रम लॉन्च करेगी। तो इसके छोटे मोटे क्लिप बना के वीडियो आदि यूट्यूब पर या फिर किसी भी सोशल साइट पर अपलोड करके लोगों को इसके प्रति अवेयर करेगी, ताकि बच्चों के खिलाफ जो ये यौन शोषण वगैरह, इन जो बच्चों के खिलाफ अपराध होते हैं, इनमें रोक कमी की जा सके, इनके प्रति लोगों को अवेयर किया जा सके। दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, ये कहाँ शुरू हो रहा है? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और अमरावती इसकी प्रस्तावित राजधानी है। दोस्तों, और हाल ही में आंध्र प्रदेश की ही 3 राजधानियां घोषित की गई। दोस्तों, इसमें अमरावती विधायी राजधानी होगी, विशाखापत्तनम यहाँ की प्रशासनिक राजधानी, कुरनूल न्यायिक राजधानी होगी। और आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी और यहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद्र। दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने अमूल के साथ समझौता किया ताकि उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट आंध्र प्रदेश सरकार अपने राज्य में लागू कर सके। दोस्तों, और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश ही भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। ऑपरेशन मुस्कान, हाल ही में गुमशुदा बच्चों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों, ई क्रॉप के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता, ताकि फसलों का अच्छी तरह से पंजीयन हो सके दोस्तों, और किसानों को उनकी सही आर्थिक आय मिल सके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया? इसके ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया गया। दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना की घोषणा पहले हो चुकी थी दोस्तों, और अब राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई योजना को 20 अगस्त से शुरू करेगी। दोस्तों, इस योजना के तहत ₹8 में सरकार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको ₹8 में भोजन प्रदान करेगी। दोस्तों, तो ये कहां शुरू हो रही है? राजस्थान में। तो राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। हाल ही में दोस्तों, राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त हुए थे। स्वास्थ्य मित्र का मतलब दोस्तों, ये जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, स्वस्थ लोग हैं, जो गांव-गांव जाएंगे और लोगों को इस महामारी COVID-19 के बारे में अवेयरनेस पैदा करेंगे दोस्तों, और उनको इसकी जागरूकता फैलाएंगे और उनको इससे बचने के उपाय भी बताएंगे। दोस्तों, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए, डिजिटल शिक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम, यह डेयरी प्रोडक्टों की गुणवत्ता जांचने के लिए सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई की शुरुआत ये हुआ। राजस्थान में सरिस्का और रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों, और यहाँ केलोदेव पक्षी विहार भी है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान का परकोटा जिसे 2019 जुलाई में वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा पर चलने वाली दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक उत्पादन संयंत्र कहाँ बनाया गया? इसके ऑप्शन है स्पेन, जर्मनी, रूस, इंग्लैंड। दोस्तों, इसका आंसर है स्पेन। हाल ही में स्पेन में अक्षय ऊर्जा पर चलने वाला दुनिया का पहला बड़ा रासायनिक संयंत्र लगाया गया। दोस्तों, तो ये कहाँ लगाया गया? स्पेन में। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ की मुद्रा है यूरो, यहाँ के प्रधानमंत्री है वर्तमान में पेड्रो संचे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निशमन सेवा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। हाल ही में ओडिशा सरकार ने अग्निशमन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया। दोस्तों, इसके तहत जो पहले अग्निशमन बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती जो जिनको वेरीफाई करना पड़ता था अग्निशमन के लिए दोस्तों, उनको अब ये कार्यक्रम ऑनलाइन चालू कर दिया। दोस्तों, ऑनलाइन पोर्टल सेवा लॉन्च कर दी गई दोस्तों, जिसके तहत अब ऑनलाइन अपना पंजीकरण करा सकते हैं। बिल्डिंग जो भी नहीं बनाई जाती है उसमें फायर सेफ्टी के लिए जो कार्यक्रम लागू होते हैं वो सिर्फ अब ऑनलाइन किया जा सकता है। दोस्तों, ये कहाँ शुरू हुई है? ओडिशा में। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और हाल ही में नवीन पटनायक का नाम चर्चाओं में रहा है दोस्तों, नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है दोस्तों पेटा की तरफ से। पेटा एक जानवरों के संरक्षण के लिए कार्य करती है दोस्तों, इसी के तहत हाल ही में कोरोना वायरस के चलते नवीन पटनायक ने अपने बजट में जानवरों के लिए एक अलग से बजट पेश किया था, इसके तहत पेटा ने उन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा था। दोस्तों, यहाँ के वर्तमान राज्यपाल गणेशी लाल। हाल ही में लॉकडाउन के तहत यहाँ पे मोर जीवन पहल और मोर प्रतिभा पहल भी शुरू हुई थी। दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पे है और ये कहाँ पे? ओडिशा में। और सबसे बड़ा बांध दोस्तों,
ये कहाँ है? टिहरी बांध है जो उत्तराखंड में है भागीरथी नदी पे। इन दोनों में दोस्तों कंफ्यूज मत होना, ये परीक्षा में बार बार पूछने वाले क्वेश्चन है, तो मैं आपको हर लगभग वीडियो में इनकी डिटेल बताता रहता हूँ, तो आप इन्हें कृपया ध्यान में रखना दोस्तों, इनके में कंफ्यूज मत हो जाना आप। ब्लैक पेगोडा मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर बोलते हैं, वो भी उड़ीसा में है। बारावती स्टेडियम जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये भी कहाँ है? कटक में ही है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये भी उड़ीसा में है दोस्तों। चिल्का लेक जो विश्व की सबसे बड़ी लैगून झील है, तटीय झील जिसे बोलते हैं खारे पानी की, वो भी उड़ीसा में है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य के 3 रेलवे स्टेशन पर स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया? इसके ऑप्शन हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के रेलवे स्टेशन में भारतीय रेलवे ने 3 स्टेशनों को स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया। दोस्तों ये 3 रेलवे स्टेशन है, जबलपुर, भोपाल, नरसिंहपुर, इन तीनों स्टेशनों को स्वचालित लाइटिंग सिस्टम लगाया गया दोस्तों। तो ये कहाँ शुरू किया गया? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल हैं दोस्तों। संकल्प योजना, संकल्प योजना ये कहाँ शुरू हुई थी दोस्तों? ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से शुरू की, जो बुजुर्गों की अच्छे से देखभाल करने के लिए, बुजुर्गों के प्रति अधिक संकल्प करने के लिए दोस्तों, ये यहाँ जीवन शक्ति योजना, इसके तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी और मास्क 11 रुपए प्रति मास्क के हिसाब से सरकार को देंगी। और इससे रिलेटेड दोस्तों एक योजना मध्य प्रदेश सरकार चलाई है, रोको टोको योजना। रोको टोको योजना के तहत ऐसे संगठन बनाए जाएंगे, उन संगठन में ऐसे व्यक्ति नियुक्त किए जाएंगे जो जो लोग बिना मास्क घर से बाहर निकलते हैं उनको सर उनको वो लोग रोकेंगे दोस्तों, और उनके जो जीवन शक्ति योजना के तहत मास्क बन रहे हैं वो मास्क उनको देंगे और उनसे 20 रुपए प्रति मास्क लेंगे। इससे जीवन शक्ति योजना के तहत बन रहे मास्क भी वितरित हो जाएंगे और दोस्तों रोको टोको योजना का भी एक सफल अभियान रहेगा। आसपास योजना, ये भी मध्य प्रदेश की पुलिस के सरकार द्वारा पुलिस के द्वारा यहाँ के जो मृत्यु दर सुसाइड केसेस ज़्यादा हैं उनको रोकने के लिए आसपास योजना भी चलाई गई थी। कुशल श्रमिकों को रोजगार सेतु योजना चलाई गई, किल कोरोना अभियान चलाया गया, दीदी वाहन सेवा शुरू की गई, चरण पादुका शुरू की गई, FIR आपके द्वार भी मध्य प्रदेश में शुरू की। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है जो मैंने आपके लिए इस वीडियो में दिखाई दोस्तों, और इनको आप कृपया याद करें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ये बहुत ही शानदार करंट जी के दोस्तों। इसको आप अपने नोटबुक में उतारिए, इनको नोट्स बनाइए, और आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसमें ही साथ साथ में आपको खजुराहो के मंदिर, ये भी कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में दोस्तों, चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए थे दोस्तों। इंदिरा सागर बांध जो नर्मदा नदी पे है, ये भी मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में थोड़ी यूरोलिपरा की पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया, ये किस राज्य में? दोस्तों इसका ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, केरल। जो थोड़ी यूरोलिपरा की पहाड़ियां हैं वो केरल में स्थित है, इनको अभी जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है दोस्तों। तो ये कहाँ है? केरल में। तो केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम, यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन, और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। दोस्तों अभी केरल में प्रोजेक्ट केफोन लॉन्च हुआ था दोस्तों। केफोन क्या करता है दोस्तों? केफोन प्रोजेक्ट के तहत इसमें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं लोग, उनको मुफ्त में इंटरनेट सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा दोस्तों। ये केफोन प्रोजेक्ट के तहत था। तिरंगा पहल के तहत रेपिड स्क्रीनिंग की जाएगी, जो एक मोबाइल वैन होगी जो घर घर गली गली जाके ये स्क्रीनिंग करेगी ताकि कोरोना वायरस की रोकथाम की जा सके। शांत घाटी, पेरियार अर्बन, ये सभी केरल में है दोस्तों। सबरीमाला मंदिर जो लगभग हर बार न्यूज में मिलता है आपको दोस्तों, ये भी केरल में है। मोहिनीअट्टम नृत्य, ये केरल का फेमस नृत्य है दोस्तों, और ये परीक्षाओं में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में हर बार पूछ लिया जाता है मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ का है, ये केरल का नृत्य है। मसालों का बाग भी केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बन गया है? इसके ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE जो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब विश्व का पहला देश बना है, जो ब्राक नाम के संयंत्र यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं, जो UAE की 25% से ज्यादा बिजली उत्पादन करेगा। तो ये कहाँ शुरू है? संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ का सबसे बड़ा नगर है दुबई। दोस्तों दुबई में ही ICC का मुख्यालय है दोस्तों, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में खलीफा बिन जायद अल नहयान। और दोस्तों UAE से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि इस बार का IPL कहाँ होने वाला है दोस्तों? ये भी UAE में होने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में HDFC बैंक MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसके ऑप्शन है रमेश बाबू, शशिधर जगदीशन, अश्विनी भाटिया, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन को हाल ही में HDFC बैंक का MD एंड CEO नियुक्त किया गया दोस्तों। तो HDFC बैंक का CEO नियुक्त किया गया है तो HDFC बैंक, इसकी फुल फॉर्म आप देख सकते हैं दोस्तों, हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल क्रॉप, इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना होती है 1994 में। इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी टैगलाइन क्या होती है, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और दोस्तों अभी हाल ही में HDFC बैंक के द्वारा एक गाना लॉन्च किया गया दोस्तों, हम हार नहीं मानेंगे दोस्तों, ये कोरोना वायरस के तहत दोस्तों इस गाने को HDFC बैंक ने लोगों की उम्मीद जगाने के लिए ये गाने को लॉन्च किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना है? इसके ऑप्शन है हमीद बाकाया को, मोहम्मद इरफान अली, जिन कैस्टर्स, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद इरफान अली को हाल ही में गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे? इसके ऑप्शन है फ्रांस, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी इंग्लैंड। हाल ही में इंग्लैंड में गांधी जी की याद में सिक्के निकाले जाएंगे दोस्तों। BAME समुदाय, ब्लैक एशियन एंड माइनॉरिटी एथेंटिक के लोगों को योगदान को पहचान में बड़ी रुचि के कारण ब्रिटेन महात्मा गांधी की स्मृति में एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के वर्तमान वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने BAME समुदाय के व्यक्तियों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी RMAC को एक पत्र जारी किया। RMAC आदेश का पालन करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए गांधी को याद करने के लिए एक सिक्का लाएगा दोस्तों। ये कहाँ शुरू किया है? इंग्लैंड में सिक्का लाया जाएगा दोस्तों गांधी जी की याद में। तो इंग्लैंड के बारे में देखते हैं, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन। और दोस्तों भारतीय उच्चायुक्त जो इंग्लैंड में है वो कौन है, जो हाल ही में बनाया गया, गायत्री कुमार को, हेनरी हैवलॉक, ये चर्चा में रहा है दोस्तों। ये यहाँ का एक सड़क है दोस्तों, उसका अभी नाम बदल के गुरु नानक मार्ग कर दिया गया। अजय वॉरियर, कोंकण अभ्यास, इंद्रधनुष, ये है इंग्लैंड और भारत की सेनाओं के बीच में युद्धाभ्यास होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं जो हर साल होती हैं दोस्तों। तो इन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज आपको हर बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो इनको कृपया ध्यान में रखें आप, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है? इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन हुआ है दोस्तों ये उद्घाटन BSNL कंपनी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में हुआ है दोस्तों। इसके तहत अब वहाँ पर अधिक से अधिक लोगों को सुविधाएं पहुंच पाएंगी, इंटरनेट की सुविधाएं, अच्छी तरह से ब्रॉडबैंड सुविधाएं भी मिल पाएंगी। तो इसके साथ BSNL का समझौता है, BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड दोस्तों। BSNL की स्थापना हुई थी सन 2000 में और उसका हेडक्वार्टर वर्तमान में न्यू दिल्ली में और इसके CEO हैं प्रवीण कुमार और इसके ब्रांड एम्बेसडर MC मेरी कॉम दोस्तों। तो ये कहाँ हो रहे हैं? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे दोस्तों। उद्धव ठाकरे एक ऐसी पार्टी से संबंधित है दोस्तों जिसका आपको जो गठबंधन की सरकार है दोस्तों, इसके बारे में आपको पूछ लिया था कि किस गठबंधन की सरकार है दोस्तों, ये महाअघाड़ी गठबंधन की सरकार है। तो ठीक है दोस्तों, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला लिया? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान। दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी। हाल ही में ओडिशा सरकार ने बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर पर नकदी पहुंचाने का फैसला लिया है। तो कहां लिया है? ओडिशा में। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं गणेशी लाल और यहाँ पे मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल की शुरुआत हुई थी। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, महानदी दोस्तों यहीं पे है, ब्लैक पगोडा मंदिर, कोणार्क सूर्य जिसको बोलते हैं वो भी यहीं है, अमरावती स्टेडियम कटक ये में स्थित है दोस्तों, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, सिंपलीवाल नेशनल पार्क और चिल्का झील से भी ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुसरत जहीर का निधन हुआ, वे कौन थे? गायक, अभिनेता, लेखक, संपादक। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी लेखक। नुसरत जहीर जिनका निधन हुआ है हाल ही में वो लेखक थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सियासत में सदस्य नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इसके ऑप्शन है नीतीश कुमार, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए नीतीश कुमार। हाल ही में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है वर्तमान में, उन्होंने सियासत में सदस्य नामक पुस्तक का विमोचन किया दोस्तों। सियासत में सदस्य नामक पुस्तक, ये उस पुस्तक का दोस्तों लेखक कौन है? लेखक का नाम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। इसके लेखक हैं विजय कुमार चौधरी जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, उसका विमोचन नीतीश कुमार ने किया है जो वर्तमान में
बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और बिहार की राजधानी क्या है? पटना, और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान। मधुबनी पेंटिंग, ये किससे संबंधित दोस्तों? ये बिहार से संबंधित। तो परीक्षा में पूछ लेता था आपको मधुबनी पेंटिंग कहाँ संबंधित है, ये बिहार से संबंधित है। बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं, जिसकी वजह से बार बार बिहार में बाढ़ आ जाती है दोस्तों। अभी बिहार में बाढ़ आई हुई है, असम में और बिहार में दोनों जगह बाढ़ आई हुई है। इंद्रवज्र ऐप बिजली गिरने की चेतावनी देता है, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे इलाकों में दोस्तों बार बार में बिजली गिरने की शिकायतें ज़्यादा आती हैं दोस्तों। तो इसकी सूचना पहले से लोगों को इसके बारे में चेताने के लिए दोस्तों इंद्रवज्र ऐप की लॉन्च किया गया है, ये बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया। भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र पटना में ही है। वाल्मीकि नेशनल पार्क, यह भी पटना में। महात्मा गांधी सेतु जो हाल ही में बहुत ही चर्चा में जो ये दोस्तों ये बन रहा है अभी, तो इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल में आपको दोस्तों मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा दोस्तों, तो आप इसे ध्यान में रख लेना। महात्मा गांधी सेतु ये अभी बिहार में ही है और बिहार में बन रहा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूपीएससी सीएससी 2019 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? इसके ऑप्शन है प्रदीप सिंह, कनिष्क कटारिया, टीना डाबी, गौरव अग्रवाल। दोस्तों इसका ऑप्शन है प्रदीप सिंह, इसका आंसर है दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस ईयर में 2019 का जो अभी हाल ही में फाइनल रिजल्ट आया दोस्तों, इसमें प्रदीप सिंह ने इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है दोस्तों। तो यूपीएससी में हासिल किया है दोस्तों। यूपीएससी की फुल फॉर्म थी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और दोस्तों यूपीएससी एक संघ लोक सेवा जो एक संवैधानिक पद है दोस्तों, संवैधानिक विभाग है दोस्तों। तो इसका अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसके बारे में दोस्तों बताया गया संविधान में, और ये भाग 14 से संबंधित है। यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं अरविंद सक्सेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में थेंजोर गोल्फ रिजल्ट परियोजना का उद्घाटन किया है? इसके ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, मिजोरम। हाल ही में मिजोरम में थेंजोर गोल्फ रिजोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया है दोस्तों। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 4 अगस्त 2020 को पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत मिजोरम में कार्यान्वित थेंजोर गोल्फ रिजोर्ट परियोजना का उद्घाटन किया था दोस्तों। तो कहाँ है? मिजोरम में। तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल, यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में जोराम थंगा, और यहाँ के राज्यपाल हैं पी एस श्रीधरन पिल्ले। चार चाप कूट त्यौहार, ये परीक्षाओं की दृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये परीक्षा में बार बार पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको लगभग हर वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ। ये चार चाप कूट त्यौहार मिजोरम में मनाया जाता है, मिजोरम का बहुत ही फेमस त्यौहार है दोस्तों। जोराम थंगा फूड पार्क का उद्घाटन हाल ही में मिजोरम में किया था। तो करंट अफेयर्स रिलेटेड मोस्ट क्वेश्चन है दोनों, इनको आप कृपया अच्छी तरह से ध्यान में रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक का विमोचन किसने किया है? दोस्तों इसके ऑप्शन है गजेंद्र सिंह शेखावत, स्मृति ईरानी, उपरोक्त सभी, और इनमें से कौन है? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति ईरानी ने 4 अगस्त 2020 को स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक लॉन्च किया, जिसमें 35 निबंधों के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन की यात्रा का वर्णन है। पुस्तक का संपादन पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव परमेश्वरन अय्यर ने किया था दोस्तों। दोस्तों इस ये भी स्वच्छ भारत क्रांति पुस्तक अभी लॉन्च की गई थी दोस्तों, इसका विमोचन अभी किया गया दोस्तों। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय दोस्तों इस बार ही कैबिनेट में लाया गया दोस्तों, ये एक नया मंत्रालय है। स्मृति ईरानी जो कपड़ा मंत्रालय इनके पास है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, और आज के वीडियो में हमने 5 और 6 अगस्त के करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया दोस्तों। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट करिए, हमारे जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हैं उनसे रिलेटेड भी आपको कोई डाउट तो हमें कमेंट करिए, हम कमेंट कर रिप्लाई आपको जल्दी। इसके साथ साथ ही हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकें, ना ही हमारी कोई भी अपडेट आपको आप मिस कर सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।